तो चलिए आज हम बनाते हैं पालक बेसन के चिल्ला। पालक को अच्छे से वॉश करके इतने सारे वेजिटेबल्स ले लिए। अभी जो ग्रीन गार्लिक है उसे अच्छे से कट करेंगे। ग्रीन चिली और अदरक की पेस्ट डालेंगे इसमें हम, और जो टोमेटो है उसे ऐसे ग्रेट कर लेंगे। एक बॉल लेंगे, उसमें पालक डालेंगे और जो ग्रेटेड ऑनियन, टोमेटो, बारीक कटा हुआ धनिया, ग्रीन चिली, अदरक की पेस्ट, अजवाइन, सॉल्ट, रेड चिल्ली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर और ये बेसन। बेसन मैंने 1 कप डाला है, उसको अच्छे से मिक्स करके पानी डाला, गरम मसाला अच्छे से मिक्स किया, फ्रूट सॉल्ट ऐड किया, ऊपर से नींबू डाला, अच्छे से मिक्स किया। अभी तवा लेके उसमें चीला बनाएंगे हम। ये चीला हमारा रेडी है, तो आप भी ज़रूर ट्राई करिए ऐसा चीला, जो खाने में बहुत टेस्टी और हेल्दी भी है। इसे मैंने कर्ड के साथ सर्व किया है, तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करिए और मुझे बताइए इसका टेस्ट कैसा लगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट लाइक बटन फॉर मोर फ्यूचर रेसिपीज। थैंक यू। आओ जो जय श्री कृष्ण।